नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है माइनस कॉस एक्स जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू जीरो है, और एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है जब एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, तो हमारी जो फूरियर श्रेणी है जिसे दो टाइप से लिखा जा सकता है, मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर वन। अब सबसे पहले मैं ए नॉट की वैल्यू याद करूँगा, तो ए नॉट बराबर होता है वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स जी एक्स। इसमें जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है वो टू पार्ट में है, तो इस लिमिट को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसे लिखा वन अपॉन पाई माइनस पाई टू जीरो माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। इससे हम इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें जीरो प्राप्त होगी, लेकिन मैं आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सोल्व कर रहा हूँ। आप इसे इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई टू जीरो और कोई भी फंक्शन मान लीजिए जी एक्स है, जी एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू जीरो टू पाई जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर है इंटीग्रेशन का, उसमें आपको बता चुका हूँ किस प्रकार प्राप्त हुआ था। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज लेंगे। तो हमें लिमिट जीरो टू पाई में कन्वर्ट करनी है इस लिमिट को, और एक्स के स्थान पे फंक्शन में माइनस एक्स रखना है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा वन अपॉन पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट लिखी मैंने जीरो टू पाई, एक्स के स्थान पे मुझे माइनस एक्स लिखना है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैं इसे लिखूंगा ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, ये जो माइनस का साइन है मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, तो मैंने बाहर लिखा माइनस कोस ऑफ माइनस एक्स होता है कोस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई कोस एक्स डी एक्स। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर टू। अब हम ए एन ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर होता है वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। हमारा फंक्शन दो पार्ट में है, तो इस लिमिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, माइनस पाई टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंटरवल में है माइनस कोस एक्स, कोस एन एक्स पहले से है तो कोस एन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन का जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा जीरो टू पाई, इस इंटीग्रेस इस पार्ट में फंक्शन की वैल्यू है कोस एक्स, कोस एन एक्स हमारे फॉर्मूले में पहले से है, तो मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज लेके सोल्व कर रहा हूँ। तो हमारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लिमिट माइनस पाई टू जीरो है तो उसे आप जीरो टू पाई में कन्वर्ट कर दीजिए, और जहाँ जो भी फंक्शन है उसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लिख दीजिए, तो माइनस कोस ऑफ माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस एन एक्स डी एक्स। और हमारा जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया कोस एन एक्स डी एक्स। ये माइनस मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, तो मुझे मिलेगा वन अपॉन पाई माइनस जीरो टू पाई कोस ऑफ माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कोस थीटा। दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई लेंगे करेंगे तो कोस ऑफ माइनस एन एक्स बराबर कोस एन एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई कोस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया वो लिख देंगे, सिंस माइनस पाई टू जीरो जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्व टू जीरो टू पाई जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो हमने ये प्रॉपर्टी काम में ली है।
ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है लेकिन ऑपोजिट साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस कैंसिल होने पर ये जीरो हो जाएगा। तो 0 × 1/π 0, तो an की वैल्यू हमें क्या मिल गई, जीरो मिल गई। और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, 1, 2, 3, ……, इसे काम है इक्वेशन नंबर 3। अब हम bn ज्ञात करेंगे, तो bn बराबर है 1/π −π/2π f ऑफ x साइन एन एक्स डी एक्स। इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1/π −π/2 −π/2 में फंक्शन की वैल्यू माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई में साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 to π जो इंटरवल है उसमें फंक्शन की वैल्यू है कोस एक्स, तो कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें बी एन की वैल्यू मिलेगी, बी एन इक्व टू 1/π, इंटीग्रेशन की लिमिट −π/2 को मैंने 0 to π में कन्वर्ट कर दिया माइनस, और जब भी लिमिट −π/2 और उसे 0 से π में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ पे भी x होता है वहाँ उसे माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसको मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। साथ में हमने जो फॉर्मूला यूज में लिया वो भी लिख देंगे, सिंस −π/2 जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्व टू 0 to π जी ऑफ −x dx। इसे सोल्व करके मैंने लिखा 1/π 0 to π कोस ऑफ −x कोस एक्स होता है और साइन −θ −sin θ होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निशान प्लस में कन्वर्ट हो गया तो मुझे मिलेगा साइन एन एक्स डी एक्स। सेकेंड इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो 0 to π कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये दोनों सेम इंटीग्रेशन है तो जुड़कर डबल हो जाएंगे, तो 1/π 2 × 0 to π कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसे मैंने लिखा 1/π, 2 को मैं अंदर ले गया ताकि फॉर्मूला इजी रूप में लग जाए, तो मैंने लिखा 0 to π 2, साइन का पद मैंने पहले लिखा साइन एन एक्स कोस एक्स डी एक्स। आप बाद में लिखोगे तो भी आंसर वही रहेगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 sin a cos b का, तो 2 sin a cos b बराबर होता है sin a + b प्लस sin a − b। इसे अगर हम सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 1/π 0 to π साइन एन एक्स प्लस एक्स, तो मैं उसे लिख सकता हूँ n+1 × x प्लस sin a − b, तो nx − x, तो मैं उसे लिख सकता हूँ n − 1 × x dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो मुझे मिलेगा 1/π साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस n+1 × x / n+1, इधर माइनस कोस n − 1 × x / n − 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π। लेकिन जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और अपॉन में n − 1 आता है तो हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि n ≠ 1, क्योंकि अगर n = 1 हो गया तो यहाँ पे तो cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 0 होने के कारण 1/0 इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा 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 हमें फाइनाइट टर्म ही मिलनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी ऐसी कोई n की वैल्यू से ऐसी स्थिति आती है तो वो कंडीशन हम हटा देंगे। तो बी एन की वैल्यू है ये, लेकिन जिसमें n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। अब हम अगर अपर लिमिट रखें तो हमें मिलेगा 1/π −cos n+1 × π / n+1 −cos n − 1 × π / n − 1 माइनस, अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखने पर मुझे मिलेगा माइनस, ऊपर जो न्यूमेरेटर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/n+1 माइनस
वन अपॉन एन माइनस वन कोस एन प्लस वन इंटू पाई की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन होती है। कोस एन प्लस वन इंटू पाई की वैल्यू हम कई प्रकार से याद कर सकते हैं। इसे मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर एन प्लस वन। कोस अगर कोई भी यहाँ पे नंबर होता है इंटू पाई होता है तो अगर वो नंबर इंटीजर है पूर्णांक है तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस वन की पावर एन प्लस वन। और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन। सिमिलरली अगर हम कोस एन माइनस वन इंटू पाई की बात करें तो एक तरीका तो है इसमें टू पाई एंगल जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसमें लिखा कोस एन पाई माइनस पाई और प्लस मैंने अपनी तरफ से टू पाई जोड़ दिया तो हमें पता है इसका पीरियड टू पाई है तो टू पाई जोड़ने या घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस एन पाई प्लस पाई या ये कह सकते हैं कोस एन प्लस वन इंटू पाई और दोबारा इसकी वैल्यू माइनस वन की पावर एन प्लस वन लिख सकते हैं जिसे माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा है तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर एन माइनस वन और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर एन अपॉन माइनस वन। अगर ऊपर और नीचे मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ होगा माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन अपॉन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा और वन से डिवाइड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल प्राप्त होगी और वो होगी माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन। तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं बी एन इक्व टू वन अपॉन पाई। अगर मैं यहाँ पे माइनस पहले से है और इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा सिर्फ माइनस वन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये माइनस उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो मुझे मिलेगा माइनस वन की पावर एन अपॉन एन माइनस वन। ये माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये दोनों माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। मैंने यहाँ माइनस वन की पावर एन कॉमन ले लिया तो माइनस वन की पावर एन कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे मुझे मिलेगा वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। अगर मैं इसे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन पाई। मैंने कॉमन ले लिया वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन तो मुझे मिलेगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन। इससे अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो ऊपर मुझे मिलेगा एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन नीचे एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन। वन अपॉन पाई पहले से है और इंटू में है माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ टू एन इंटू माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन पाई इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। ये हमारी बी एन की वैल्यू प्राप्त होगी जबकि एन की वैल्यू है टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा डॉट डॉट डॉट। तो इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर फोर। अब हम बी वन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चूँकि बी एन बराबर वन अपॉन पाई जीरो टू पाई टू साइन एन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्राप्त हो गया था तो अगर इसमें एन बराबर वन पुट करें तो बी वन बराबर होगा वन अपॉन पाई जीरो टू पाई टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स और ये होता है साइन टू एक्स के बराबर तो वन अपॉन पाई जीरो टू पाई साइन टू एक्स डी एक्स। इसे और सोल्व करें तो वन अपॉन पाई माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू इंटीग्रेशन करने पर लिमिट होगी जीरो टू पाई। इसे मैंने लिखा माइनस वन अपॉन टू पाई कोस टू पाई माइनस कोस जीरो और कोस टू पाई तो वन होता है कोस जीरो भी वन होता है तो माइनस वन अपॉन टू पाई वन माइनस वन जीरो जीरो से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो बी एन की वैल्यू मैं एन बराबर वन पुट किया तो मैं बी वन की वैल्यू मिल गई।
बी वन बराबर हमें प्राप्त हो गया जीरो। तो मैंने इस इक्वेशन को कहा इक्वेशन नंबर 5। ए नोट ए एन तथा बी एन का मान समीकरण एक में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए नोट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 1 वी गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सबसे पहले ए नोट बाई टू टर्म्स आती है तो इसकी ए नोट की वैल्यू जीरो तो ये जीरो जाएगा तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। इसी प्रकार ए एन की वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो और इसमें बी एन में बी वन की वैल्यू भी जीरो है इसलिए बी वन भी नहीं लिख रहे। तो हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी एन इक्वल्स टू 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 इन्फिनिटी। बी एन की वैल्यू है टू एन इंटू माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन पाई इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन और साइन एन एक्स। यदि एन बराबर टू पुट करेंगे तो पहले मैंने टू अपॉन पाई कॉमन लिया, जैसे ही टू पुट किया तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वन टू, तो टू ये आ जाएगा। यहाँ पे एन में टू पुट करेंगे तो टू इससे मिलेगा टू इंटू टू फोर, तो फोर इंटू साइन टू एक्स अपॉन यहाँ पे मिलेगा फोर माइनस वन, टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन तो वन इंटू टू प्लस वन यानी थ्री। एन बराबर थ्री पुट करेंगे तो ये माइनस वन ये प्लस वन जीरो होने पर कंप्लीट जीरो। एन बराबर फोर पुट करेंगे तो फोर पुट करने पर फोर इससे और टू इससे तो फोर इंटू टू एट। यहाँ पे साइन फोर एक्स अपॉन फोर माइनस वन इंटू फोर प्लस वन यानी थ्री इंटू फाइव। जैसे ही एन बराबर फाइव पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो होने का कंप्लीट जीरो। एन बराबर सिक्स पुट करेंगे तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व इंटू साइन सिक्स एक्स अपॉन सिक्स पुट किया तो सिक्स माइनस वन इंटू सिक्स प्लस वन यानी फाइव इंटू सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें से अगर हम चाहें तो फोर कॉमन ले सकते हैं, अगर फोर कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा एट अपॉन पाई साइन टू एक्स अपॉन वन इंटू थ्री प्लस फोर कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा टू इंटू साइन फोर एक्स अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस फोर कॉमन लेने पर थ्री इंटू साइन सिक्स एक्स अपॉन फाइव डॉट सेवन फाइव इंटू सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी फाइनल फूरियर सीरीज हमें प्राप्त हुई है, ये हमारा आंसर है। अब हम सेकेंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एफ एक्स लिखा, हमें गिवन है दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई से जीरो के बीच में है और कोस एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में है। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ माइनस एक्स याद करूँगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मैं आपको ओड और इवन फंक्शन में बता चुका हूँ, जब भी अगर ये माइनस साइन हटा दें और ये इवन फंक्शन हो और एक के साथ माइनस और दूसरे के साथ प्लस साइन हो तो वो फंक्शन हमेशा ओड फंक्शन है। तो हमें ये देखते ही पता चल जाना चाहिए ओड फंक्शन है, लेकिन एग्जाम में हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस एक्स याद करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस ऑफ माइनस एक्स माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन जीरो। जहाँ पे भी एक्स था उसको मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, कोस ऑफ माइनस एक्स जीरो लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई। इसे हम और सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ माइनस एक्स होता है कोस एक्स तो माइनस कोस एक्स और इसे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो। माइनस की वन से मल्टीप्लाई करने पर लेस देन की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। कॉस एक्स इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एस मीका का चिन्ह है वो हमारा चेंज हो जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई। इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ मैंने इसे लिखा जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कोस एक्स और इसे लिखा मैंने माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो। इसे मैंने ऊपर लिखा इसे नीचे लिखा ऐसा हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कोस एक्स कंडीशन भी साथ में रहेगी तो माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो कोस एक्स जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन पाई।
दिस इंप्लाइज माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमें मिला एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ऐसा मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स एक विषम फलन है, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये विषम फलन है तो हम उससे कह सकते हैं कि ए नॉट और ए एन की वैल्यू तो जीरो होगी और हमारी फूरियर सीरीज, तब हमारी जो फूरियर श्रेणी है वो हमें प्राप्त होगी एफ ऑफ एक्स इक्व टू सिग्मा एन इक्व टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। और हम इसमें कह देंगे कि सिंस ए नॉट इक्व टू जीरो और ए एन है वो भी जीरो है, एन बिलोंग्स टू एन के लिए, एन पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए। बात एक ही है। अब बी एन का जो फॉर्मूला है वो होता है बी एन बराबर वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और ये हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, यानी अगर ये दोनों भी समफलन है तो इनका मल्टीप्लाई समफलन होगा। समफलन होने के कारण मैं इसे लिख सकता हूँ टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इससे मुझे बी एन की वैल्यू मिलेगी, वो हमें मिलेगी बी एन इक्व टू टू अपॉन पाई जीरो टू पाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें जीरो से पाई इंटरवल में, जीरो से जो पाई इंटरवल है उसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू वो हमें है कोस एक्स। तो ये हमारी वैल्यू कोस एक्स है, तो जीरो से पाई इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसे मैंने लिखा वन अपॉन पाई जीरो टू पाई टू इंटू साइन एन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। और इसे हम फर्स्ट मेथड में जैसे सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करेंगे, तो उसे इसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी टू एन इंटू माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन में पाई इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, या फिर कहें कि एन स्क्वायर माइनस वन, और एन इक्व टू टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा डॉट डॉट डॉट। और साथ ही अगर बी वन की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो बी वन की वैल्यू हमें मिलेगी जीरो।